ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। बीच बीच में से जा रही है अपनी बाइक। हट जा भाई, हट जा हट जा हट जा भाई, हट। आंटी जी साइड 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 साइड, ये कहाँ पहुँच गया भाई मैं। सो गाइस अपनी रेस लग चुकी है। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस यार आज भाई नेक्स्ट डे है, और भाई कल मतलब जो पिछले व्लॉग में भाई जो मैंने नाश्ते की थी, जो मैं रुका था वो था अपने फ्रेंड के घर। तो यार अभी मैं बस यूं था, मैं हूँ और जस्ट बस 10-15 मिनट बाद अभी मैं निकलने वाला हूँ। और भाई आप अपनीत भाई की कॉल आ गई कि भाई आप 10 बजे की टाइमिंग है, आप 10 बजे पहुँच जाना। और भाई यार अभी मैं बस फ्रेंड के घर से निकलने वाला हूँ, और यार वेदर ने ना मतलब इतनी ज़्यादा ना क्या बोले यार, दिक्कत दे रहा हमें वेदर। वेदर की हालत देख लो आप इस टाइम, बस यार धूप रहे तो ठीक है, बादल आ रहे हैं पर बारिश नहीं हो रही। अगर बारिश होगी ना भाई तो खज्जल हो जाएंगे हम। और भाई यहाँ का व्यू देख लो आप, काफ़ी अच्छा व्यू है। और भाई ये अपने फ्रेंड के घर रुका था मैं रात को, काफ़ी लेट हो गया था यार, पर दिक्कत ये थी कि मेरे को 7-8 बज गए थे मेरे को सीधे तभी। और भाई पालो पर काफ़ी लॉन्ग पड़ रहा था मेरे को, तो फिर मैं सोचा कि उन्हें यहाँ पे रुक जाते हैं, और आज भाई नेक्स्ट डे है तो चलो चलते हैं। फिर मिलते हैं आपके साथ कुछ ही देर में। ओके भाई टेक केयर। तो भाजी अपनी फ्रेंड भाई सैफली सभी राजा आ जा भाई। हेलो चलो ठीक सैफली भाई, टेक केयर। यार आज जाऊंगा भाई मैं सीधा पालमपुर में भाई, अपने अपनी तो भाई अपना वेट कर रहे हैं। उन्हें 10 बजे की टाइम मिली, हमने 10 बजे जो भी राइडर होंगे जो भी ज्वाइन करना चाहता है वो भाई 10 बजे वहाँ पे हमें मिल जाएंगे, और उसके बाद भाई हम निकलेंगे सीधे ही डायरेक्ट लेक के लिए। तो बस वीडियो में बने रहो, और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और भाई वीडियो को स्किप मत करना यार, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आज भाई कुछ यूनिक राइडर आपके साथ भाई यार। थोड़ा सा भगा के रखनी पड़नी भाई मेरे को, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाऊँगा मैं। थोड़ा लेट उठा भाई रात के 1-2 बजे तक तो हमें से ही क्या यार भाई, बीच में बंदे गाड़ी लगा देते यार, ये गलत बात है ना भाई। भाई सुबह वेदर इतना खतरनाक था ना कि हमें मतलब उम्मीद नहीं थी। मैंने अपनी भाई को मैसेज किया कि भाई क्या सीन है वेदर का, तो भाई बंदे का यही रिप्लाई आया यार भाई मंडी में तो अभी बारिश ही लगी है, और पालमपुर में भी वेदर बोलता ठीक नहीं है, तो क्या करें। और भाई यार मैं जब मैं इतने दूर छूता पहुंच गया था, और आप खुद सोचो कि अगर बारिश लग पड़ती ना भाई तो मैंने इतना खज्जल हो जाना था यार, ना तो मैं बाप घर जाने वापस लाइक बचा था और ना ही पालमपुर के लिए। तो भाई मैंने बोला यार भाई देख लो, क्योंकि मैं इतने दूर से आया भाई खज्जल हो जाऊँगा यार मैं। तो वेदर भाई साथ दे गया आज, तो साफ हो गया वेदर फिलहाल, पूरा तो हुआ नहीं बट ये है कि ठीक है, बस बारिश नहीं हुई, बादल बूदल जितने मर्जी है कोई सीन नहीं है। तो बस चलते हैं फटाफट और निकलते हैं। और यार थोड़ी थोड़ी रोड गिली है और बारिश हुई है रात को, तो मतलब थोड़ी रोड डैमेज भी हो चुकी है, तो मैं ज़्यादा भगा नहीं रहा हूँ, क्योंकि यार बीच में क्या पता एकदम कोई पत्थर वगैरह पड़े कुछ रोड ख़राब हो सकती है यार, बस इसलिए सेफली चलूँगा मैं। कोई बात नहीं, 10-15 मिनट लेट पहुंचेंगे। सो यार गाइस ये जो भाई पॉइंट आता ना, ये मतलब मेरा बेस्ट और बेस्ट मतलब रोड है यार, यहाँ पे ना कॉर्निंग करने का इतना मजा आता है। बट ये है कि आज भाई रात को बारिश हुई है तो रोड पूरी गिल्ली हो चुकी है, तो भाई मतलब उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा यार लीन करने का। ओ भाई भाई भाई, भाई। वो दिक्कत आ रही है बस, बाकी नहीं तो भाई साहब। भाई यार अभी टाइम नहीं है भाई, इतना टाइम है नहीं अभी बाइक रोकने मार्क। ओ भाई थोड़ा थोड़ा भाई टायर मेरा ना मतलब कि स्किड कर रहा है, थोड़ा सा ना ग्रिप नहीं बना रहा है, वो जैसे दिल्ली रोड आ रही है ना तो मेरे को थोड़ी उसमें दिक्कत आ रही है। ये बाइक वाला भाई कहाँ चला है, रोड बिल्कुल साफ होना और बिल्कुल भाई सूखी रोड होना तो भाई लीन ठोकने का तो क्या ही बोले। ये देख लो वाला लीन करने के चक्कर में खुद ही लीन ना हो जाऊं भाई, तो नो लीन। ये बड़ी अच्छी बात कही है।
गैस ही कुछ ऐसा ना यार, मेरे को थोड़ी सी दिक्कत लग रही है क्लच प्लेट में, मतलब कि बाइक एकदम एक्सीलेटर छोड़ रही है भाई, तो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है मेरे को। ऐसा लग रहा है कि भाई लिफ्ट आ रहा है बट लिफ्ट नहीं आ रहा है, पर कुछ हो रही है। भाई हाईवे पे वो भी ट्रैफिक पे चढ़ने का मजा कुछ अलग है यार। बट ये जो हाईवे यार थोड़ा सा मतलब खराब है, क्योंकि यहाँ पे पैचेस वगैरह काफी ज्यादा है, बीच बीच में मतलब एकदम ऐसा पैच आएगा भाई की पता नहीं चलेगा आपको। पिछली बार आए थे मैं और मोहित, तो भाई एक फीट का खड्डा था कम से कम, और उसमें जब मेरी बाइक घुसी ना भाई, थोड़ा सा पीछे व्हील के जो भाई जो पीछे वाली व्हील है उसमें थोड़ा सा डेंट पड़ गया था। और ये इनोवा वाला भाई क्यों ब्रेक के लगा रहा है, अरे बरे यार हद होगी भाई। सामने चेक करो भाई धौलाधार की पहाड़ी, बर्फ पड़ी है भाई इस टाइम धौलाधार में, तो काफ़ी अच्छा वेदर है भाई वहाँ का। तो यार गाइस अभी पालमपुर से 20 किलोमीटर पीछे हो चुके हैं, और भाई यार रोड की मेरे को इतनी याद है नहीं, वैसे जाते रहते हैं हम, बट हम शॉर्टकट से आते यार हाई टाइम पर। इस बार मेरे को लॉन्ग में जाना पड़ना, क्योंकि मेरे को शॉर्टकट में कहीं भूल ना जाऊँ, और लॉन्ग में भाई बंदा भूल ही सकता है, एक स्ट्रेट रोड होगी और क्या। और यार एक तो बुलेरो वाला ना ओवरटेक नहीं करने दे रहा है मेरे को, जाने दे यार भाई। तो गाइज अपनी रेस लग चुकी है स्प्लेंडर वाली के भाई के साथ, भाई बड़ा खतरनाक चला रहा है बंदा यार सच्ची में। देखना आप इसको कट, देखना भाई बंदे कट कैसे मार रहे है। उड़ा दे भाई, उड़ा दे उड़ा दे उड़ा दे, देख लो भाई पिलिंग के लिए बंदे ने हेलमेट एक्स्ट्रा रखा है भाई, ये तो केटी को छोड़ गया यार। तो गाइस फाइनली मैं पहुंच गया भाई अभी पालमपुर, और अभिनीत भाई की कॉल आई कि वो आप थोड़े से 4-5 किलोमीटर आगे आ जाओ, तो बस मैंने अभी उधर को निकल। भैया मंडी रोड कौन सी है? मंडी जाना पड़ेगा। हाँ जी ये वाला, ये वाला सीधे ही बैजनाथ बैनर की मंडी सीधे ही। ठीक है भाई थैंक यू, तो चलो फिर चलते हैं, लेट्स गो। बीच बीच में से जा रही है अपनी बाइक, हट जा भाई हट जा हट जा हट जा भाई, आंटी जी साइड 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 साइड। ये कहाँ पहुँच गया भाई मैं, गाड़ियाँ पड़ेगी पीछे से, ये बस वाला भी भाई कहाँ घूम रहा हूँ मेरे को पता नहीं चल रहा यार। एक तो बीच बीच में ना ये बस से चली है, और ये देख लो ये फिर रुक गई, और ये मैं फिर निकला, हद होगी यार अब कौन सी रोड होगी। अब फिर किसी को पूछता हूँ, गोल गोल घूम रहा हूँ कहीं मैं। जय माता। सो गाइस अपने डाउन हिल राइडर पहुंच चुके हैं भाई, और भाई जी एमटी क्या चमक रही है, क्या शाइन मार रहे यार भाई, हर कुछ हर कुछ। इधर कोई आएंगे अब, वाह भाई वाह भाई, एमटी तो बड़ी जचा के रखी है बंदे ने, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया। फिर तुमने मारी ये देख लो भाई हाल, पीछे पूरा हाल था, कीचड़ ज़्यादा बड़ी ज़्यादा थे ना। सो गाइस अपने भाई फ्रेंड आ चुके डाउन हिल राइडर, और ये बंदे की एमटी, ये चीज़ मैंने डरवानी यार, ये मेरे को अच्छी लगती है। और बंदे की बाइक चेक कर लो,
चलानी यार, मैं खींचूंगा भी इसको भाई साहब। वो यार मतलब इस भाई साहब रे सारा भाई की मेरी के टीम चला के ये चीज़ें छोड़ गई मेरी। बड़े बड़ा यार थक लग गए इस बाइक। रोड खराब है ना, गग्गल से आगे आए तब तो बड़ा सही था, वो पीछे चंबा रोड में थोड़े बाइक हाल देखो वाला। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं आपके साथ अब नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना बोले। और भाई ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।